स्वागत है आप सभी का नैनीताल सीरीज के डे टू ब्लॉग में। अभी हम रूम से निकल रहे हैं, मॉर्निंग का बज रहा है 9। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, हमको शायद से कार बुक करनी पड़ेगी कुछ, यहाँ पे 7 व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ जाने के लिए। तो बाहर चलते हैं और कार बुक करते हैं, आपको बताते हैं कितने में कार मिल रही है। सो गाइस, फाइनली हम कार बुक करके निकल गए घूमने के लिए। ये भैया हैं, ये हमें टोटल 11 पॉइंट्स घुमाएंगे और इन्होंने हमसे 2100 रुपये चार्ज किया है। भैया 11 पॉइंट्स कौन कौन से जरा बता देना एक बार। सर इसमें तो सबसे पहले हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। हाँ, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मनसा देवी मंदिर, मुरबा ताल, सरिता ताल, वाटरफॉल, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, लेक व्यू पॉइंट, लवर एंड सुसाइड पॉइंट, हॉर्स राइडिंग पॉइंट। ओके, ये 11 पॉइंट है टोटल। और इन 11 पॉइंट को घूमने में कितना टाइम लग जाएगा लगभग? मिनिमम अगर ट्रैफिक ना हो 3.5-4 घंटा। 4 घंटे लग जाएंगे। तो गाइस ये 11 पॉइंट है टोटल, वो हम अभी घूमेंगे। मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। और अगर आप जा रहे हो ना, अगर 4 लोग हो तब आप कार बुक करके चले जाओ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वरना फिर आप बाइक रेंट करके चले जाओ, वो 700 रुपये में आपको पड़ जाएगी, एवेंजर बाइक वगैरह 700 रुपये में पड़ जाएगी। उसमें आप सारे 11 पॉइंट्स खुद से ट्रैवल कर सकते हो। तो चलता हूँ और सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे हनुमानगढ़ी। गाइज आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आगे फोन अलाउड नहीं है, तो हम आगे तो अब दिखा नहीं सकते अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। ये सिर्फ एक ब्रिज है, गब्बर ब्रिज नाम का, ये फेमस है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे भैया मम्मी पापा आए हैं और ये ब्रिज मेन फर्स्ट फेमस है फोटोज वोटो क्लिक करने के लिए। हम भी थोड़ी फोटोज लेते हैं। गाइज गब्बर ब्रिज बहुत ही सही लोकेशन थी, वहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आती है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ गब्बर ब्रिज एक बार जरूर जाओ, वहाँ पे अच्छी फोटोज आएंगी। मैं एक दो फोटोज वहाँ के डाल दूंगा। अब हम भैया कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अब जाएंगे मनसा देवी टेम्पल। अब हम जाएंगे यहाँ से मनसा देवी टेम्पल। और ये है कुछ पाइन फॉरेस्ट्री ना भैया? जी, ये सारे जितने पेड़ हैं ये पाइन फॉरेस्ट्री है पूरा। ये चलते हैं अब सीधे मनसा देवी टेम्पल। ये खुरपाताल ना? जी सर, ये खुरपाताल है। अच्छा, बाकी वेदर के हिसाब से अपना कलर भी चेंज करता है। ओके, देखिए आपको कलर डिफरेंस मिला है और लेकों से। हाँ, यहाँ पे कलर डिफरेंस तो है। और बाकी ये छोटा सा विलेज है जिसका नाम खुरपाताल है। लोग खेती बाड़ी करता है, थोड़ा बहुत वेजिटेरियन उगाता है। अच्छा, बाकी ये छोटे जो रेड कलर की बिल्डिंग्स दिख रहे हैं आप, ये सारे रिसोर्ट है, डाइनिंग रिसोर्ट कहलाते हैं खुरपाताल के अंदर। ओके, इनकी ऑनलाइन ही लोग ज्यादा बुकिंग करता है। अच्छा, और ये पीछे यहाँ पे मनसा टेम्पल है, मनसा देवी मंदिर। सबसे बड़ा टेम्पल तो वैसे हमारा मनसा देवी का जो है वो हरिद्वार में है। बाकी यहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, देवी देवताओं को माना जाता है इधर। तो ये आप बोल रहे हैं कि मंदिर मूर्ति खुद से निकली है यहाँ पे? अपने आप मूर्ति निकली है इसमें, तो यहाँ पे मंदिर स्थापित कर दिया गांव वालों ने। ओके, तो गाइस ये खुरपाताल का कलर कुछ नॉर्मल पानी से तो अलग ही है। यहाँ पे ना ब्लू है ना मिट्टी वाला कलर है, पता नहीं कौन सा कलर है, वीडियो में तो उतना सही दिख नहीं रहा होगा, पर ये कुछ यूनिक सा कलर है अलग सा। और फिर जस्ट सामने यहाँ पे एक मनसा देवी मंदिर है। तो गाइस अब हम खुरपाताल से निकल रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे वाटरफॉल देखने। बैठते हैं कार में और चलते हैं वो वाटरफॉल। गाइस हम पहुँच चुके हैं वुडलैंड वाटरफॉल पे। यहाँ का कुछ एंट्री चार्ज भी है, 50 रुपीज़ एंट्री चार्ज है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वुडलैंड वाटरफॉल का मेन गेट है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, 50 रुपये पर हेड पड़ेगा। भैया जा रहे हैं भी टिकट लेने। पहुँच तो गए पर हमको लगा था बड़ा, थोड़ा बड़ा वाटरफॉल होगा, तो बहुत ही छोटा सा निकला। पर जो भी है इतना ही है। बोल रहे भैया यहाँ पे बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी होता है, अभी बहुत कम है। ठीक है, जैसा भी था। गाइस ये है सरिता ताल और यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे ये बच्चा करते हुए जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक जाएगा। ऐसी छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और ये पानी के अंदर इसमें रोल करके जाने के लिए बोटिंग वगैरह भी होती है यहीं पर। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं तो फिलहाल एक्टिविटी कर नहीं रहा हूँ कोई। और यहाँ पे मेन बच्चों के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए कार्स वगैरह हैं, सब छोटी छोटी चीज़ें। सो गाइस सरिता ताल से निकलने के बाद हम आ गए अभी एडवेंचर पार्क में। यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या है, कैसा है। एक बार बता दो एडल्ट्स के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? अच्छा, जिप लाइन, जिप साइकिलिंग, गो कार्ट। एक जिप साइकिलिंग का टिकट दे देना बस, सिंगल। सो गाइस मैंने जिप साइकिलिंग का टिकट ले लिया, ये मुझे 350 का पड़ा है। जिप साइकिलिंग स्टार्ट होने का पॉइंट कुछ वहाँ से है, उस पॉइंट से स्टार्ट होगी और वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे एंड हो जाएगी। तो सिर्फ 4 लोग में सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, बाकी सब तो कोई कर नहीं रहा है। तो चलता हूँ जिप साइकिलिंग करता हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ जिप साइकिलिंग करने। कैसा रहा? गाइस जिप साइकिलिंग करके आ गया हूँ, बहुत मजा आया। लेकिन बस हाँ, साइकिल चलाने में थोड़ी सी ताकत तो लगती है, बीच में थक गया था, पर लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया। सही है, वर्थ इट है 350 के हिसाब से। अगर आप आते तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी सब तो बच्चों के लिए ज़्यादातर,
बस जिप साइकिलिंग मुझे दिखा कि करने लायक है तो मैंने वो कर लिए। आप आना तो आप भी करना। यहाँ से नैनीताल लेक हमें मैंगो शेप में दिखती है और यहाँ से सामने से हमें एक स्कूल दिख रहा है जो कोई मिल गया मूवी में यूज किया गया था। ये वाला स्कूल जो बीच में है, ये वाला स्कूल कोई मिल गया मूवी में यूज किया गया था। तो ये शायद से हमारी आज की सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। इसके बाद हम एक और डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम कार वाले भैया को पेमेंट करके हम रूम पे चले जाएंगे। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, हिमालय व्यू पॉइंट पे। इसको जीरो पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बाकी ये है। अभी तो हिमालय दिखेगा नहीं क्योंकि हिमालय तो विंटर्स में ही दिखता है। बस यहाँ पे अभी ये जगह फेमस है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं गर्मियों में भी। यहाँ पे फोटोशूट वगैरह के लिए कपड़े वपड़े मिलते हैं कि आप लड़कियों के लिए कपड़े वपड़े हैं, कपड़े ले लो, उससे फोटोशूट करवा लो। ये फोटोशूट कराने के लिए एक फ्रेम भी बना रखा है। जीको केव गार्डन में जाने के लिए पर हेड 100 रुपीज़ है और चिल्ड्रेंस का मतलब जो बच्चे आएंगे उनका 60 रुपये है, अडल्ट का 100 है। तो चलते हैं अंदर। सॉरी गाइस, दैट वाज नॉट अवर फाइनल डेस्टिनेशन। हम हिमालय व्यू पॉइंट के बाद आ गए हैं इको केव गार्डन। यहाँ पे कुछ केव्स वगैरह बनी हैं, जैसे टाइगर केव, पैंथर केव, वैसे करके। तो हम चलते हैं केव में और दिखाते हैं आपको। सो ये आगे कुछ केव्स हैं, टाइगर एंड पैंथर केव इस तरफ है और ये बाकी की जो चार केव्स हैं वो इधर हैं। तो हम चलते हैं टाइगर केव में और पैंथर केव में। झुकना पड़ रहा है यार, पतला कर दो, झुकने का ना बनाओ यार। पतला तो मैं हूँ, कहीं भी निकल जाऊंगा। भाई बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग भी आना। तो सो गाइस, सारी केव सक्सेसफुली डन हो गई हैं। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए भी गेम्स वगैरह हैं और कुछ छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं। हाँ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे क्योंकि मैं आज एक पहले ही कर चुका हूँ, उसके अलावा वीडियो देख लेना बोला। तो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दूंगा, अगर कोई आता है किसी को कार की बुकिंग करवानी हो तो भैया को कॉल करके डायरेक्ट बुकिंग करवा सकते हो। भैया का नंबर बोल देना सर। 8979 77 77 55 55 34 34। दयाल मेरा नाम है सर। दयाल नाम है। तो जिसको जो कोई भी आता है किसी को बुकिंग करवानी है तो पहले से कॉल करके भैया से कार बुक करवा लो और आराम से पूरा नैनीताल घूम सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू भैया।